बाबा, आप जो चाहते थे वो हो गया। अखिलेश अपने परिवार को बचाने के लिए आपके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। अति उत्तम, अति उत्तम। वाह चंदू, वाह। त्रिनेत्री बाबा अमर रहे। अब त्रिनेत्री बंगारू की शक्तियां प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बंगारू नमः। बाबा, अब हमें क्या करना होगा? अपने मित्र को धोखा दिया है तुमने चंदू, इस पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम 2 किलो हरी मिर्चियों का सेवन करके अपनी अंतड़ियों को आग में झोंक दो। जो आ गया बाबा। त्रिलोक। जी बाबा। अखिलेश की आहुति का प्रबंध करो। जो आ गया बाबा। हे गुल्लू, ऐसे नहीं ना जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो हमरा का होगा बिट्टू? ऐसे नहीं जाओ। नहीं अम्मा, हमरे घर हमरे परिवार पर कौन बिपदा आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिवार की सुरक्षा के लिए हमरा जाना जरूरी है। अखिलेश, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अखिलेश, तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। कैसी बातें कर रही है आप मेरा जी? हमका तो ये भी नहीं पता कि वो बाबा हमारे साथ क्या करना चाहता है। और यदि हमका कुछ हो गया अखिलेश, तो हम हमारे परिवार को आप ही के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। अखिलेश नहीं, हमका जाने दीजिए। लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अखिलेश भैया? अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं होंगे? हाँ की ब्रो, भाविक ने मुझे मना लिया है। हम ये शादी जरूर करेंगे। और शादी अब 2 दिन बाद नहीं, आज इसी वक्त होगी। और एक और बात आखिर, आप कोई बाबा बाबा के पास नहीं जाएंगे। आखिर ब्रो, आप इस फैमिली के हार्ट है ना, और अगर फैमिली में से दिल निकल जाए तो फैमिली को तो हार्ट अटैक आ जाएगा ना आखिर ब्रो। ओरे मोरे कक्का भैया, बस मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरे साथ यहीं रहेगा जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाती, बस। है बिटवा, अपनी बात नहीं मान रहे हो, कम से कम अपनी प्यारी बहन की बात तो मान लो। नहीं ना जाओगे लो। प्लीज, तुम अगर चले गए तो हम सब यहाँ खर्च हो जाएंगे बिटवा। अपना बहन की कही हुई बात हम टाल कैसे सकते हैं? भाविक, आज तूने भूमि को मना कर ना सिर्फ अपनी शादी बचाई है बल्कि मेरी भी शादी बचाई है। I'm so proud of you. थैंक यू। तो मुझे तुम दोनों को बोलना चाहिए पगली, तुम दोनों सच में मेरी इंस्पिरेशन हो। भूमि और मैं तो हमेशा आप दोनों जैसा ही बनना चाहते हैं। ओरे मोरी गंगा मैया, ओरे भूपटिया की शादी होने वाली है? नो वे, ये नहीं हो सकता। ए पक पक, क्या हुआ? अभी तो मुंह सजा के बैठी थी कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। अब हो रही तो कौन आपत्ति आई है तुमका? ओ शट अप विल यू, लाइक सीरियसली, हॉस्पिटल में कोई शादी करता है?
मेरी कोई तैयारियां नहीं हुई है, ना मेरे पास कुछ नया कपड़ा है पहनने के लिए। अपनी बू की शादी में मैं ये पुराने कपड़े पहनूंगी। और मेरी बू, what the hell is wrong with you? अरे दिल मिलने के लिए जगह की नहीं नियत की आवश्यकता होती है कि नहीं? हाँ, और तुम काहे चिंता करती हो कपड़ों की? हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे ना, लेकिन शादी होगी, आज होगी, यही होगी, अस्पताल में होगी। चलो शादी की तैयारी होने वाली है, चलो। मॉम कहाँ है? भूमि बिटिया, ये देखो ना, तुम्हारी मॉम आई है। नए नवेले कपड़ों में कैसी लग रही है? हाँ, What's so funny? Like seriously, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, नए कपड़ों का मतलब ये नहीं था कि मैं हॉस्पिटल के नए कपड़े पहनूंगी। You really think मैं ये पहनकर अपनी अपनी बेटी की शादी अटेंड करूंगी? क्या बात है, अच्छी तो लग रही हो। Stop it! Disgusting! तुम्हीं ना तो हमसे कहा था तुमको नए कपड़े चाहिए, अब दिए ना कपड़े, अब चुप रहो, ज्यादा चूचूचाचा नहीं करो, और ये लो ही उनके बापू के साथ अपनी बिटिया का कन्यादान करो। लेकिन मोटी बाप पंडित हम है ना, हम ही तो गुल्लू और दुल्हन का ब्याह कराए थे, है कि नहीं? जहाँ देखो बैठ जाती शादी करवाने। चुप रहो, बनारस की पंडित आए। एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो। तदैव लग्नम सुधिरं तदैव तारा बलं चंद्र बलं तदैव। हीरा जी, हमको तो ऐसा लगता है कि ये अस्पताल का नाम हमका पांडे परिवार मंगल कार्यालय रख लेना चाहिए। हमारा ब्याह भी ये अस्पताल की वजह से हुआ था, आज हमारी बहन का ब्याह भी यहीं हो रहा है, और हम चाहते कि अगर हमारा लल्ला हो जाए तो कि उसकी डिलीवरी भी यहाँ हो। आई होप कि प्रेगनेंसी वाली बात भी सच हो जाए अखिलेश, एक बच्चे के आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अब वर और वधु फेरे ले सकते हैं। अब पर कैसे? वही दोनों जाने। Just be careful, please. अब बर और बधू एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे। गुल्लू, बरमाला तो ले। अरे अम्मा, बरमाला तो हम लाना ही भूल गए। कहाँ? अबू चंदू को कहकर हम मंगवाते हैं। चंदू, यह समय पर पता नहीं चंदू कहाँ चला गया। हम अबू जरा बाहर देखकर आते हैं। हाँ हाँ, जाओ। आ रुको, लार चंदू कहाँ चला गया? घंटी की आवाज तो हमका सुनाई दे रही, उठा काहे नहीं रहा? चंदू, अब तुम अपने पाप का दंड भुगत चुके हो। अब तुम्हें हमारा एक और काम करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भूमि के हादसे के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसलिए जाओ और सारे सबूत मिटा दो। तो आ गया दादा। ओम भम बंगारू नमः। चंदू का, अरे चंदू कहो कहाँ आएगा? तुम हमरे साथ चलो भैया जी। अरे अस्पताल वहाँ है चंदू, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम हमरे साथ चलो भैया जी। अरे हो कहाँ गया तुमका? हमरे साथ चलो, हमरे साथ चलो, कछु और तो बोलो। मा, ये लिखावट हमका जानी पहचानी लग रही है। ये लिखाई चंदू की है।
चंदू ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव काहे कर रहा है, कछु गड़बड़ है। बाबा के आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे। बाबा ने कहा कि सबूत मिटा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बू बहन की दुर्घटना हमारे कारण हुई है। सबूत मिटा दो। चंदू घर पे क्या कर रहा है? ने कहा है सारे सबूत मिटा दो। ए चंदू, ये डिब्बा, ये का मतलब सीढ़ियों पे पानी डिब्बे से गिरा था, ये तुमने तो नहीं गिराया। इस चंदू की बेवकूफी की वजह से कहीं अखिलेश को पता ना चल जाए कि भूमि के हादसे के पीछे चंदू का हाथ है। अरे तुम्हारी ही करतूत की वजह से हमारी बहन की जान जा सकती थी। छोड़ेंगे नहीं तुम काम। चंदू, अखिलेश को इतना मारो कि वो जख्मी हो जाए। उसे जख्मी हालत में हमारे पास ले आओ। हम तुम्हारे लिए मंत्र उच्चारण करेंगे, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। मारो उसे। जवाब दो वरना कहे कि ऐसा। ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारे साथ चलो, चलो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। बड़े भाई पे हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती तुमका? छोड़ी। तुम हमारे साथ चलो। चंदू छोड़ो उसे। चंदू पागल हो गया तुम। चंदू तुम हमारे साथ चलो और मारो चंदू। आज तुम्हें किसी भी हालत में अखिलेश को हमारे पास लाना ही है। चंदू चंदू, चंदू क्या हुआ? भैया क्या कर रहे थे? तुम आदमी ससुर गए थे हमारे हाथ से अपना गला काटने दबा रहे थे। ये हो क्या गया तुमका? पहले हुआ सीढ़ियों पे तेल डाल के हमारी बहन को गिराने की कोशिश की, अब हमारा गला दबा रहे हो। अरे ये हो क्या गया तुमका? भैया जी क्या बोल रहा? हमने बू बहन को चोट पहुंचाई और अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा रहे थे। क्या बोले जा रहे भैया जी? हम कैसा कछु याद नहीं है। चंदू क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? क्या बोले जा रहे हो भैया जी? चंदू कई दिनों से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो और आज तुम बेरहमी से अखिलेश को मार रहे थे। हमको याद नहीं है भैया जी, हमको माफ कर दो।
टीका है, टीका चीज है। ये तो कान में पहनने का डिवाइस लग रहा है। समझ में है कि तुम ऐसे बर्ताव काहे कर रहे थे? काहे? यंत्र तुमका त्रिनेत्री बाबा ने दिया था और इसकी सहायता से तुमका अपने वश में कर दिया। What? आवाज नहीं चाहिए, आवाज दीजिए। चंदू, कुछ बोलो। लेकिन चंदू बाबा से कब मिला? हाँ, हम ये बढ़िया रही, सही रही। अब हमका याद आया, हम जब स्टेशन के लिए निकले थे ना, तो हम जो रिक्शा पकड़े थे, वो रिक्शा में ना हमारे बगल में एक आदमी बैठा था, वो आदमी ने हमका मिठाई खिलाई थी। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ हमका कुछ याद नहीं है भैया जी। भैया जी, हमका लगता है वो जो आदमी है ना, वो बाबा का आदमी है, वो जरूर हमको बाबा के पास लेकर गया होगा। हाँ, और उस बाबा ने ना हमका अपने वश में कर लिया होगा। हम सही कह रहे भैया जी, ऐसा ही हुआ होगा। अगर ये बात सच है ना, तो बाबा को चेतावनी देने का समय आ गया है। हमें चंदू की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? चंदू का यंत्र तो चालू है। तैयार है ना? तैयार, तैयार। एक, दो, तीन। अपने दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दो बाबा, आपका भांडा फूट चुका है अब। और हमें पता चल गया है कि चंदू से उल्टी सीधी हरकतें तुम करवा रहे थे। एक बात कान खोल के सुन लो बाबा, अगर मेरे पति या मेरे परिवार पर कोई भी आंच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। ये बाबा, अब तो तुमका ना हम अपने हाथों से खर्च कर देंगे। और ये चेतावनी को हल्के में नहीं लीजिएगा बाबा, क्योंकि हम वो अखिलेश हैं जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारे परिवार पर कोई भी आंच भी आई ना, तो तुम हमारा रौद्र रूप देखोगे अब। क्या हुआ? अभी तो इतना भूखाल कर रहे थे, शांत काहे हो गए? इतनी चेतावनी देने के बाद भी वो बाबा हंसे जा रहा था चंदू, कछु गड़बड़ जरूर है। अरे पगलेट है, एक नंबर का बेवकूफ है, हम बता रहे एक नंबर का ढोंगी बाबा है भैया जी। उका है ना कि उके सारी जो दाव पेज है ना फेल हो गए ना, इसीलिए हंसे जा रहा है। नहीं चंदू, हमका ये बात का शक है कि कोनो चाल चल के हमका वो अपने पास बुला रहा है। हो सकता है। अम्मा का फोन। आ तो उठाओ ना। हाँ माँ। ए बेटुआ, कहाँ रह गए? हम बरमाला का कब से इंतजार कर रहे हैं? अम्मा, हम तीनों पास वाले मंदिर में शगुन और मिठाई लेकर चले गए थे, ताकि भाभी बहन और भू बहन को मुरली मनोहर का आशीर्वाद मिल जाए। ये बिल्कुल सही किया, लेकिन शादी तो हो, जल्दी वरमाला लेकर आओ बिटुआ। हाँ हम अबू आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। ए भैया जी, तुम चाची से झूठ काहे बोले बे, हम तो यहाँ हैं। चंदू, ईरा जी, देखो हमारी बात सुनो, हम नहीं चाहते कि अम्मा या परिवार के किसी भी सदस्य को ये बात का पता चले कि भू बहन के साथ जो भी दुर्घटना हुई है ना, उसके पीछे ही बाबा का हाथ है। जब से ही बाबा आया है, अम्मा के सीने का दर्द बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि उनका हृदय रोग फिर से शुरू हो जाए। इसलिए आप में से कोई भी किसी को कछु नहीं बताएगा। फिलहाल हम मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर अस्पताल जाते हैं और ये बात हम तीनों के बीच में ही रखते हैं। देखो तुम टेंशन मत लो, मोटी बा की हार्ट की दवाइयां चल रही है और घर में डॉक्टर होते हुए मैं किसी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बाबा को हानि पहुंचाने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे जल्द ही
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के अखिलेश को बच्चा देना होगा।